प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी लोगों को जय मसीह की। मैं खुश हूं कि प्रभु का वचन को इस चैनल के द्वारा आप लोगों तक पहुंचाने में, और आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि इस चैनल में आप लोग जुड़े हुए हैं, इस चैनल के द्वारा प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। प्रभु और भी हम लोगों को, आपको और हमको, और भी प्रभु अपने में, अपने वचन में और भी आगे बढ़ाते जाए। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आज प्रभु जी हम जो वचन को ध्यान करने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा हम सबको आशीष कर, हमें समझाना, सिखाना, हमारी आंखों को खोल दे ताकि आपका, आपके पवित्र वचन का रहस्य को हम जान सके। प्रभु जी हमें आपके वचन का अर्थ को समझाइए। प्रभु जी यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आज हम प्रभु के एक और वचन को सुनेंगे। अगर कोई नए है इस चैनल में, आप देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि और भी प्रभु के वचनों को आप सुने, कि और भी प्रभु में आगे बढ़ते जाए, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी प्रभु का वचन पहुंचे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के द्वारा रोज आपको जब भी हम वीडियो डालेंगे आप लोग, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप प्रभु का वचन को सुनते रहेंगे। प्रभु आपको सबको आशीष करें। आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं। दूसरा राजा उसका 5 अध्याय में हम देखते हैं, आराम देश के एक सेनापति हैं जिसका नाम है नामान। वो बड़ा शूरवीर था, एक अधिकारी था, सेनापति था, लेकिन वो कोढ़ी था, उसको कोढ़ बीमारी था। और वो बहुत कोशिश किया हुआ था क्योंकि वो बड़ा अधिकारी था, बड़ा पैसे वाला व्यक्ति था, वो काफी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट लिया होगा, फिर भी ठीक नहीं हो पाया था, इसलिए वो बहुत कष्ट उठा रहा था। और वो एक बार क्या करते हैं, युद्ध करते का परमेश्वर नामान के द्वारा आराम के लोगों को, आराम के राजा को विजय दिलाया था, जीत दिलाया था। इसलिए परमेश्वर नामान को इस्तेमाल करके, नामान के द्वारा विजय दिलाया था, नामान को शूरवीर प्रभु ने बनाया था। और वहां पर वो लोग जब इज़राइल देश को जाते हैं, इज़राइल देश एक छोटी सी लड़की को अपने पास दासी बनाकर ले जाते हैं, और ले जाकर नामान अपने घर में रख लेता है। वो छोटी लड़की दासी बनकर नामान की पत्नी की सेवा करने लगती है। और एक दिन उस छोटी लड़की को पता चलता है कि मेरा स्वामी को कोढ़ बीमारी है। तब वो अपने आप में चुप नहीं रही, और उसको मालूम था कि इस कोढ़ बीमारी से छुटकारा कैसे मिलेगा। तब वो अपने स्वामिनी को कहा, ये अच्छा होता कि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो वह उसे चंगा कर देता। उसका नाम है यलीशा। और उसकी स्वामिनी नामान को बताती है, नामान राजा से कहता है, और राजा नामान को इज़राइल देश में भेजता है। और नामान यलीशा के पास जब जाता है, यलीशा उसे कहता है कि तू 10वां वचन में, दूसरा राजा 5:10 में यलीशा कहता है, तू जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा दे, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। पहले तो नामान नहीं मानता है क्योंकि वो बड़ा अधिकारी था, वो कुछ क्राइटेरिया चाहता था कि मुझे ऐसे सम्मान के साथ आए एलिशा मेरे, जहां पर मेरा कोढ़ बीमारी है उस पर हाथ रखकर मुझे, मेरे लिए प्रार्थना करे और मुझे ठीक करे। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हुआ। एलिशा सिर्फ कह दिया कि जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले तो तू ठीक हो जाएगा, तेरा शरीर जो कहते हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। शुरुआत में तो वो नहीं मानता है, लेकिन बाद में उसके सेवक लोग, नामान के सेवक लोग उसे बताते हैं कि इसे मान ले, हो सकता है कि तू ठीक हो जाए। तो बाद में वो जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाने के बाद वो ठीक हो जाता है, उसका शरीर पूरी रीति से चंगा हो जाता है। और बाद में वो वापस एलिशा के पास आकर कहता है,
वो कहता है सुन, अब मैं जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इसराइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। वो खुद गवाही देता है कि इसराइल में सच्चा परमेश्वर है और इसराइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। देखिए वो छोटी लड़की का द्वारा जो खुशखबरी को सुना था, वो खुशखबरी के कारण इसराइल देश पहुंचा और एलीशा के पास आकर वो चंगाई पाया और वो ये कबूल कर रहा है, ये बोल रहा है कि इसराइल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है और इस सच्चा पर इसराइल का परमेश्वर को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है, और कहीं इसराइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। देखिए इतना मजबूत हो गया उसका विश्वास, वो एक छोटी लड़की के द्वारा जो सुसमाचार सुनाता, जो खुशखबरी सुनाता, वो खुशखबरी के कारण इसराइल देश पहुंच के वो पूरा ठीक हो गया और परमेश्वर को मानने लगा। मैं विश्वास करता हूं उसका सारा घराना भी यीशु को मान लिया, परमेश्वर को मान लिया। देखिए वो छोटी लड़की अपने बारे में नहीं सोचा, मैं एक तो दासी हूं, ये तो बड़े लोग हैं, बड़े अधिकारी लोग हैं, अगर मैं इनको बताऊंगी तो ये कब मेरी बात को मानेंगे, ये कब विश्वास करेंगे। वो कुछ नहीं सोचा, वो जो करना था वो कर दिया। राजा तक वो नामान तक वो खबर पहुंच गया और नामान एलीशा के पास जाकर चंगाई पाता है। देखिए कितना बड़ा प्रभाव लाता है जब हम खुशखबरी को लोगों को बोल देते हैं, वो खुशखबरी, वो प्रभु का वचन, वो प्रभु का समाचार लोगों के जीवन में काम करने लगता है और उनकी जिंदगी बच जाती है, वो लोग उद्धार पा लेते हैं, पाप से बच जाते हैं, नरक से बच जाते हैं। हम पर लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं, इसीलिए छोटे हैं या बड़े, वो छोटी लड़की भी प्रभु का सुसमाचार बताया। आज हम छोटे हैं, हमें जो छोटे हैं जो बड़े हैं सभी लोगों का फर्ज बनता है कि हम प्रभु का सुसमाचार को लोगों को सुनाएं, ताकि परमेश्वर उन लोगों को सुसमाचार के द्वारा बचाएगा, वो लोग बच जाएंगे। अगर वो छोटी लड़की वो नामान को बताई नहीं होती तो नामान ठीक नहीं हो पाता, सच्चे ईश्वर को जान नहीं पाता। वैसे ही अगर हम लोगों को नहीं बताएंगे, डर के मारे घर में चुपचाप रहेंगे, लोग मर जाएंगे, पाप में मरेंगे, लेकिन उसका लेखा परमेश्वर को हम देना पड़ेगा, परमेश्वर लेखा हमसे पूछेगा। इसीलिए जितना हो सके इस उद्धार का खबर, इस चंगाई की दवाई, पाप से आजाद होने का दवा, उद्धार दिलाने वाला दवा वो यीशु मसीह है, उसके बारे में हम दूसरों को भी बताएं, ये खुशखबरी को दूसरों को भी बांटें, दूसरों को भी प्रचार करें, ताकि वो लोग भी बच जाए। मेरे प्यारों, परमेश्वर के वचन जितना हो उतना आप सुनाते रहिए, लोग बचाए जाएंगे। आप छोटे हैं या बड़े, प्रभु का काम करते रहिए। आप जो भी जगह में हैं, आप खेत में हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं, कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, जहां पर आप हो वहां के लोगों को जैसे मौका मिले प्रभु का वचन को सुनाइए। प्रभु अपने वचन के द्वारा उन लोगों को बचाएगा। इसलिए मेरे प्यारों, प्रभु का सुसमाचार का काम आपको हमको सौंपा गया है। स्वर्गदूत चाहते हैं कि हम भी प्रचार करें, लेकिन प्रचार का काम, ये परमेश्वर के वचन खुशखबरी को प्रचार करने का काम मनुष्य को दिया गया है, परमेश्वर हमको दिया है। हम उसके इस्तेमाल करें और प्रभु को धन्यवाद करें और प्रभु का वचन को और भी लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों का उद्धार हो, लोग बचाए जाए, आत्माएं बचाए जाए, परमेश्वर का राज्य बनता जाए, बढ़ता जाए। मेरे प्यारों, इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी लोगों को आशीष करें। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर आपका कोई प्रार्थना है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, उसको आप मैसेज कीजिए, अपने प्रार्थना विनती लिखकर मैसेज करिए। हम परिवार के साथ आप लोगों के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। और भी आपको जानना है, जरूर हम प्रभु के वचनों को लेके आते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, प्रभु में और भी हम आगे बढ़ते जाए, और हमारी सेवकाई के लिए भी आप लोग प्रार्थना करिए। हाँ, ना भूलना प्रभु का सुसमाचार सुनाते जाना, चाहे आप छोटे हैं बड़े हैं।
प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। उस छोटी सी लड़की को प्रभु इस्तेमाल किया, आज आपको भी इस्तेमाल करेगा। वो लड़की के द्वारा बड़ा अधिकारी नामान और उसके परिवार को बचा लिया, आपके द्वारा हजारों लोगों को प्रभु बचाएगा। क्या आप प्रभु का वचन को ले जाएंगे? क्या प्रभु का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाएंगे? प्रभु आपको आशीष करे। आइए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस वचन को जितने भी मेरे भाई बहनों सुने हैं उन सबके जीवन में काम कर, होने दे कि वो लोग आज से ज्यादा आपका पवित्र संदेश को लोगों तक पहुंचाए, फैलाए प्रभु जी, और आपका राज्य बढ़े, लोग बचाए जाए। प्रभु आशीष कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष करें इस वचनों के द्वारा, और भी बहुत जल्दी हम प्रभु का वचन को लेके आएंगे और भी एक नए वीडियो के साथ प्रभु का वचन को लेके आएंगे। तब तक आप सबको जय मसीह की, अपना ख्याल रखना, आमीन।